एक अन्य प्रश्न पूछते हैं मित्र कि अक्सर ये कहा जाता है दैट विच इज जो है उसको जाने, ऑब्जेक्टिव रियलिटी, परसीव्ड रियलिटी और सब्जेक्टिव रियलिटी पर कुछ कहें, जो है उसको जाने की बात कही गई है ना कि जो है उसको माने। रियलिटीज़ के बहुत सारे प्लेन्स पर हमने पिछली बार चर्चा करी, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, परसेप्टिव, अल्टरनेटिव, तमाम तरह की रियलिटीज़ में हम जीते हैं। कृष्णमूर्ति जी इस फ्रेज का अक्सर उपयोग करते थे कि नो दैट विच इज, दिस इज अल्टीमेट थिंग, जो है उसको जाने। मानने की बात नहीं है, पहली तो चीज यही है कि क्या है जिसकी बात कही जा रही, दैट विच इज, व्हाट इज देयर। बिल्कुल सीधी स्पष्ट बात इसमें, जो कुछ भी तुमको अभी लगता है रियलिटी की तरह से तुम्हारे लिए वही है, तुम उसको ही देखो, उसको ही जानो। मानने की बात नहीं, तुमको अभी भूख लगती है, प्यास लगती है, तुम अभी उदास हो, तुम अभी क्रोध से भरे हो, तुम अभी किसी ईर्ष्या से भरे हो, तुम घृणा से भरे हो, तुम्हारे अंदर तमाम तरह के बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं। हो सकता है सब प्रोजेक्टेड रियलिटी की तरह हो सकता है सबको तुमने अपने मन से रचा हो, कोई बात नहीं। कृष्णमूर्ति जी भी जब अक्सर कहा करते थे कि जो है उसको जानो, तो वो यही कहते थे कि किसी नई चीज को पैदा करने की कोशिश मत करो, पहले तो तुम अपने अंदर तुम्हारे जीवन में जो है उसको देखो, जानो, जागो उसके प्रति, भागो मत। क्रोध है तो ये मत कहो कि मैं शांत होऊंगा, तो अपने क्रोध में उतरो, देखो उसको, उसकी बुनावट को, उसकी वीविंग को देखो। तुम्हारे अंदर ईर्ष्या है तो तुम ये मत कहो कि मैं ईर्ष्या मुक्ति की कोशिश करूंगा। तुम्हारे अंदर घृणा है तो ये मत कहो कि मैं प्रेम करूंगा या मैं प्रेम को साधने लग जाऊंगा, तब तुम झूठ हो जाओगे। हो सकता है जो अभी का तुम्हारा जगत है वो भी पूरा का पूरा झूठ हो, वो संभावना है, लेकिन उसको देखकर, उसको जानकर ही तुम उससे आगे जाओगे, क्योंकि अभी के लिए तुम्हारी वही वास्तविकता है। अगर अभी तुम भय से भरे हो, भय किसी भी अवास्तविक वजह से हो सकता है, लेकिन तुम्हारे अंदर भय है, तुम्हारा भय इस समय वास्तविक है, तो तुम अपने भय को ही देखो, जानो। और जैसे जैसे तुम अपने भय के साथ जुड़ते हो, उसको महसूस करते हो, उससे भागते नहीं हो, वो बदलने लगता है। जीवन का एक ही नियम है, जब हम किसी चीज से भागते नहीं हैं वो बदलने लगती। भागने का एक ही ढंग है कि उसके लिए कोई आइडियल रख दिया जाए या कोई भविष्य रख दिया जाए, जैसे घृणा से प्रेम, क्रोध से करुणा, हिंसा से अहिंसा, किसी भी चीज में अगर ये लगा दिया जाए कि तुमको इससे उस तक जाना है, ये तुम्हारे लिए एक खेल हो गया, तुम्हारे लिए एक अवास्तविक स्थिति हो गई और तुम्हारे मन के लिए एक प्रोजेक्ट मिल गया। अब तुम जहां हो वहां नहीं रहोगे, क्योंकि तुमको तो कहीं आगे जाना है, और तब तुम उसको देखोगे भी नहीं जो अभी पूरा का पूरा है, क्योंकि तुम्हारे लिए एक आइडियल आ गया, तुम्हारे लिए एक आदर्श आ गया, एक लक्ष्य आ गया, वो लक्ष्य ही तुमको डिविएट कर देगा, भ्रमित कर देगा उस स्थिति को देखने से जो अभी है। तो दैट विच इज को, जो अभी जैसा है उसको देखने के लिए कोई भविष्य लक्ष्य या आदर्श निर्मित नहीं करना है, बस पूरी तरह चौकन्ने होकर, सजग होकर, जैसे का तैसा उसको देखना है, बिना किसी अपराध बोध के, बिना किसी कंपैरिजन, बिना किसी तुलना के देखना है, और वही तुम्हें मुक्त करेगा। तुम इस कमरे में कैद हो जाओ और फिर तुम एक
लक्ष्य बनाओ, एक भविष्य बनाओ कि मुझे ऐसे आज़ादी चाहिए, मुझे ऐसे निकलना है, और कोई आएगा मुझको बचाने, कोई मसीहा आएगा, कोई अवतार आएगा। तुम तमाम तरह की काल्पनिक दुनिया में खो सकते हो। लेकिन एक चीज़ ऐसी भी है कि मनुष्य का स्वभाव ही है आज़ादी। तो तुम अगर बंधन में गए हो तो आज़ादी तुम्हारी पूरी बींग ढूंढ लेगी, लेकिन वो तब ढूंढ लेगी जब तुम अगर यहाँ पर कैद हो और उस कैद को पूरी सजगता से तुम देखने लगते हो, क्योंकि अभी की तो यही वास्तविकता है। जैसे जैसे तुम देखोगे तुमको सब समझ में आने लगेगा, तुम्हारे लिए रास्ते भी खुलेंगे, तुमको उपाय भी पता चलेंगे, तुमको द्वार दरवाजे सब पता चलने लगेंगे, कोई जुगत उपाय वो भी तुमको सूझेगा, लेकिन तब जब तुम उसको शांति से स्वीकार कर लो। बहुत सारे लोग जेल से भाग गए अजीबोगरीब ढंग से, तुम्हें हैरानी होगी। ऐसे कई किस्से हैं जो खाने के लिए उनको जेल में चम्मच दिया गया, वो कई सालों में चम्मच से सुरंग खोदकर जेल से फरार हो गए। सोचिए कितना स्थिर व्यक्ति रहा होगा। ऐसे लोगों की निंदा नहीं करनी चाहिए, उसकी स्थिरता देखिए, उसका परिस्थिति को समझने का, आकलन करने का फोकस देखिए। आम व्यक्ति तो विचलित हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, रोने लगेगा, घबराने लगेगा, मैं कहाँ फंस गया, कहाँ जाऊँ। और इसको समझ में आ गया कि मुझको तो जाना है, कोई हथियार कोई उपकरण भी नहीं, चम्मच ही सही, चम्मच से खोद डाला। जैसे तुमने देखा अभी एक मूवी आई थी जो सत्य घटना पर थी, एक जाने की रास्ता नहीं और एक व्यक्ति अपने ही छेनी थोड़े से एक पहाड़ तोड़कर रास्ता बना लेता है। उसके पहले कितने लोग परेशानी में पड़े रहे कि भाई नहीं जा सकते हैं, समस्याएं हैं, बीमारियां होती हैं, लोगों की मौतें हो जाती हैं। उसकी पत्नी की मौत होती, उसको लगता है कि नहीं रास्ता बनना है। उसने न सरकार का इंतजार किया, न किसी मसीहा का इंतजार किया, और बना डाला, तोड़ डाला, रास्ता बन गया। उसको कहेंगे ध्यानी, उस व्यक्ति को, वो दैट विच इज, जिसकी बात कृष्णमूर्ति कह रहे हैं, वो उसको देखा, उसने परिस्थिति है विकट है, सामने पहाड़ है, रास्ता नहीं है, तो रास्ता बनेगा। तुम्हारे अंदर जो भी झंझावात है, जब तुम उसका एज इट इज ऑब्जर्वेशन करोगे, अवलोकन करोगे, रास्ता खुल जाएगा। इसी को मैं कहता हूं व्यक्तिगत ईमानदारी। आम तौर से लोग जब ध्यान साधना में जाते हैं तो हमेशा व्यक्तिगत बेईमानी का उपयोग करते हैं, अपना बड़ा उजला पक्ष निकालने की कोशिश करते हैं। अक्सर तो मैंने ये भी ऑब्जर्व किया, जब खास सत्संगों में लोग जाते हैं तो उनकी चाल ढाल देखने का ढंग बदल जाता है, वहां से निकलते हैं तो बदल जाता है, वो धार्मिक चाल हो जाती है उनकी, धार्मिक भंगिमाएं हो जाती हैं उनकी। मंदिर में जाते हुए लोग देखो, ये अतिशयोक्ति नहीं है, किसी दिन खुद मंदिर मत जाना और मंदिर के किनारे बस बैठना, देखना लोग कैसे जाते हैं। ऐसे अपने घर में नहीं चलते, ऐसे किसी मॉल जाते हैं तो नहीं चलते हैं, वहाँ उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी आँखें, सब फर्क, इन्होंने ओढ़ लिया है एक आवरण जो है उससे हट गए। डॉक्टर वकील के पास जाते हैं तो बिल्कुल वैसा ही केस सामने रखते हैं जैसा है, तब निदान निकलता है। डॉक्टर के पास भी जाओ और तुम प्रिटेंड करो कि नहीं सब ठीक है, बढ़िया है, अच्छा है, डॉक्टर का फिर जाओ घर जाओ। वकील के पास भी जब तुम अपने मुकदमे के लिए जाते हो तो सारी वस्तुस्थिति बताते हो कि नहीं साहब हमने किया ऐसा है, तो कहता है अच्छा जब तुमने किया तो ये उसका पेच निकल सकता है, और तुम वही बात छुपा ले जाओ तो उसका कोई उपाय नहीं निकलेगा। ध्यान साधना में भी यही है कि व्यक्तिगत ईमानदारी, जैसा है वैसा ही बनो मत। क्रोधी हो तो रहो, किसने कहा क्रोधी मत रहो, हो सकता है तुमको क्रोधी ही डिजाइन किया हो। ये तो पता नहीं किसी ने ऐसा
आदर्श डाल दिया कि लगता है सारे मेडिटेटर फैक्ट्री लाइन पे प्रोड्यूस हो जाने चाहिए, एक ही जैसा मॉडल, एक ही जैसा ठप्पा सब पे लगा हुआ, एक ही ब्रांड, ऐसा नहीं होता। और भारत बड़ा खूबसूरत देश है, मैं तो हमेशा बड़ा ही आश्चर्यचकित होता हूँ जब कथाएं देखता हूँ लोगों की, इनके वर्णन देखता हूँ, कि उन्होंने सब डिस्प्ले कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम ऋषि और संत भी हो सकते हो, क्रोध हो सकता है, क्रोधी हो सकते हो, कोई मना ही नहीं। हमने क्रोधी लोगों को भी ऋषि बनाया, बहुत पहुंचा हुआ माना। क्रोध अलग चीज है, तुम्हारा ऋषित्व अलग चीज है। हर तरह की जो मानवीय भावों की चीजें हैं हमने उनको बनाया, और हमने कहा ये बुराई की तरह से ना देखें। जैसे कोई कहेगा कि बताइए ऋषि हैं क्रोध करते हैं, यहां उसको दूसरी तरह से कह रहे हैं, वो क्रोधी हैं फिर भी ऋषि हैं, देवता हैं, अभी वो भी फ्लर्टिंग करते हैं। तो देवता भी फ्लर्टिंग से मुक्त नहीं होते, तो ध्यानी तुम हुए हो तो थोड़ी बहुत फ्लर्टिंग तुम्हारी जिंदगी में चल सकती है, क्रोध चल सकता है, बहुत कुछ चल सकता है। दैट विच इज, उसको ईमानदारी से देखो, ये मत कहो नहीं नहीं मेरे अंदर ऐसा नहीं, मेरे अंदर वैसा नहीं। अगर सब अच्छा ही है तो बात खत्म हो गई, खुश रहो। जैसे पहले मेरे पास एक महिला आई, आती नहीं थी, किसी परिवार के साथ आई, तो बात के बाद में मैंने उनसे कहा कि आया करिए ध्यान में, कि नहीं मुझे ध्यान की कोई जरूरत नहीं, मैं तो वैसे ही बहुत खुश हूं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, खुश रहो, कोई जरूरत नहीं, अगर आप खुश हैं तो मत आना। फिर एक दिन कोई मुसीबत पड़ी उन पर, कोई संकट आया, तो रोती हुई आई, कुछ करिए। मैंने कहा मेरे पास करने का क्या है। मैंने कहा आप खुश हैं, खुश रहिए। कह नहीं, अब खुशी कहाँ है। तो मैंने कहा जो पहले भी नहीं थी, जिस खुशी को तुम खुशी मानकर चल रहे हो वो नकली है, वो फेयर वेदर प्लेजर है, फेयर वेदर हैप्पीनेस है, कि जब मौसम अच्छा है तुम खुश हो। लेकिन ध्यानी की जो खुशी है वो वेदर पे डिपेंडेंट नहीं है, फेयर वेदर नहीं है, मौसम कैसा भी हो वो खुश है। और वो खुशी दांत निकालने वाली खुशी नहीं है, वो शांति जैसी, अपने अंदर ठहरा हुआ है, शांत है, दृष्टा है सारे जीवन के उतार चढ़ाव का, वो उसकी खुशी है, वो उसका ठहराव है। तो ध्यानी फेयर वेदर हैप्पी पर्सन नहीं है, वो तो हर वेदर में और ये तभी आता है जब वो हर वेदर को एज इट इज देखता है, पतझर को पतझर देखता है, बसंत को बसंत देखता है, गर्मी को गर्मी, सर्दी को सर्दी। ये विजुलाइज नहीं करता कि जब गर्मी आई तो ठंडी हवाएं बहने लगी, और जब सर्दियां आई तो सब आग जलने लगी। क्या जरूरत विजुलाइज करने की, वो आग जलाता है, हीटर जलाता है, एसी चलाता है, जो समझ में आता है उसके करता है वो। उसने देखा वस्तु स्थिति ये है, तो इसमें उलझन की कोई जरूरत नहीं, शिकायत भी नहीं करता। शिकायत करके भी तुमको क्या मिलना। ये तो बाहर के मौसम की बात है, लेकिन जो अंदर के मौसम है उन पर ही ये बात लागू होती है। जो जैसा है उसको वैसा देखो, बिल्कुल भी मत बचो। अगर तुम्हारे अंदर किसी भी तरह की भावना गति कर रही है उसका आमना सामना करो, देखो। निंदा की जरूरत नहीं, अपराध बोध की भी जरूरत नहीं। इसलिए नहीं अपराध बोध की जरूरत, देखो तुमको तो साधु संतों ने मुश्किल में डाल दिया कि ये नहीं होना चाहिए, तुम्हारे अंदर ये भावना नहीं होनी चाहिए। लेकिन अष्टावक्र की बात समझें तो प्रकृति ने दिया, निसर्ग ने दिया, नैसर्गिक है, तुमने तो नहीं पैदा करी, तुम किसी मॉल से खरीद के तो नहीं लाए थे, ये फीलिंग आई तुम्हारे अंदर। अब आई और ऊपर से कोई आके कहने लगा कि नहीं आना चाहिए, तो मुश्किल में पड़ गए। आई तो जहां से आई वहीं से समाधान भी आएगा, तुम नहीं लाए ये पक्की बात। किसी भी भावना को तुम नहीं लाए अपने अंदर, वो आती है घटती है, वो नैसर्गिक संरचना।
वही दैट विच इज है, जैसे हो वैसे ही उसका अवलोकन करो, न कम न ज़्यादा, न अच्छा न बुरा, न निंदा न अपराध बोध, न अपने लिए न दूसरे के लिए, किसी के लिए मत लाओ, अपने लिए भी नहीं तो किसी दूसरे के लिए भी नहीं, क्योंकि सब बदलती हुई परिस्थितियाँ हैं, तुम नहीं जानते कब क्या बदलाव घट रहा है, तुम्हें कुछ भी पता नहीं। आज तुम किसी व्यक्ति को देख कर कह सकते हो कि अरे ये तो बड़ा ही गैर आध्यात्मिक व्यक्ति है, और कल को रूपांतरण घट सकता है, वो आध्यात्मिक हो सकता है, तुम नहीं जानते किसी के अंदर क्या चल रहा है, इतिहास भरा पड़ा ऐसे उदाहरणों से। इसीलिए फेस वैल्यू पे किसी चीज को तय मत करो, अपने लिए भी मत तय करो। तुमसे कुछ अपराध हो गया तो अपराधी मत समझो अपने आप को, वो घटा है अस्तित्व के माध्यम से, इस समय इस क्षण इस शरीर मन से वो घट गया। तुम थोड़ा पीछे हटकर उसका अवलोकन करो, उसके दृष्टा बनो, उससे मुक्त हो जाओगे। तो कोई भी नैसर्गिक भावनाएं हो व्यक्ति के अंदर, कोई अड़चन नहीं, कोई समस्या नहीं। इतनी सहजता से जब हम अपने जीवन का अवलोकन करेंगे तो मुक्ति ही मुक्ति है। आज के लिए इतनी।